हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन का पेपर नंबर एक। इसमें ईवीएस के पोर्शन से आने वाले सभी 30-30 क्वेश्चनों को हम हर रोज डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम, चाहे सीटेट का आ रहा है, फिर केवीएस है, फिर एचटेट है, और उसी के साथ साथ एक साल के अंदर डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, रीट, एमपीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट, बहुत से एग्जाम टीचिंग लेवल के होते हैं। तो इन सभी में आपके ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए, एक एक पेपर को हम हर रोज करके आप लोगों के लिए कई सारे पेपर एग्जाम से पहले डिस्कस कर देते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स की बुक चाहिए, तो वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी बुक्स होती हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी। उसी के साथ हर सब्जेक्ट की पैडागोजी आपको इसमें नीचे मिल जाएगी। तो वो उनको लेकर के आप लोग घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है। यानी ये नहीं पूछा कि पर्यावरण अध्ययन में सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है, बल्कि इसने पूछा है कि कौन सी नहीं है। व्याख्यान विधि अच्छी होती है, कहानी विधि भी इंपॉर्टेंट होती है, भ्रमण विधि ये नहीं है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट माना ही जाता है। तो यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा तीन। क्वेश्चन नंबर दो, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मनोरंजन करना, सरकारी योजना का निर्वाह, प्रत्यक्ष अनुभव या पिकनिक मनाना। दोस्तों, इसमें आपका आंसर रहेगा प्रत्यक्ष अनुभव, क्योंकि हम संग्रहालय जब देखने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उस चीज को सामने से देख करके उसको हम फील करें, महसूस करें, अनुभव करें उसका। तो यहाँ आपका आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का तीन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर तीन, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता नंबर एक बच्चों में करके सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति ये तो नहीं है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता ये भी नहीं है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ए इसका आंसर होगा, बच्चों में यानी सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता जो है वो बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है। गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण करना, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति या कक्षा कक्ष में एक खामोशी। यहाँ पे आपका आंसर देख लेना एक बार ध्यान से, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर पांच, एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ये ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण कौन से होंगे। नंबर एक समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। नंबर दो परिकल्पना, समस्या, प्रयोग, निष्कर्ष, प्रयोग, परिकल्पना, समस्या, निष्कर्ष, और समस्या, प्रयोग, परिकल्पना और निष्कर्ष। यहां आपको आंसर रहेगा ये, समस्या पहले, फिर उसकी परिकल्पना करना, फिर उसका प्रयोग करना, और फिर लास्ट में उसके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पर जाना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर छह, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है। लवण एवं जल की कमी एक ऐसे बच्चे में होती है जो निर्जलीकरण से ग्रस्त रोग से होता है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव्य एवं गैस अवस्था में पाया जाता है। ग्रेनाइट, पारा, बॉक्साइट या जल। जल दोस्तों इन सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड के रूप में पाया जाता है बर्फ में, ग्लेशियरों के ऊपर, द्रव्य के रूप में लिक्विड होता ही है, और गैस के रूप में हवा में नमी यानी मॉइस्चरनेस या विटवेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, रेशम प्राप्त किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के अंडे से नहीं, कीट के लार्वा से नहीं, कीट के प्यूमा से। यस राइट। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर रहेगा तीन। क्वेश्चन नंबर नौ,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एक सींग वाला गेंडा केरला। काजीरंगा तो असम में है, केरला में हो नहीं सकता। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क बिल्कुल नहीं हो सकता। कहाँ पे रहेगा आपका? असम के अंदर रहेगा। काजीरंगा का आंसर ही इसमें आपको मुश्किल होगा ही नहीं, आपको पशु की तरफ, पक्षी की तरफ और एनिमल की तरफ जाने की नौबत ही नहीं आई। काजीरंगा के साथ स्टेट ही क्लैश हर जगह कर रखा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 10, पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? आज ही मैं बच्चों को मॉर्निंग की केवीएस की क्लास में, सीटेट और केवीएस की कंबाइंड क्लास में आज ही मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने आज भी डिस्कस करवाया था। हर किसी पक्षी के या जीव के दांतों की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे गाय के लिए होता है, ऊपर वाले दांत छोटे होते हैं जिससे वे घास को अपनी तरफ खींचता है, फिर नीचे वाले दांत बड़े होते हैं जिससे वो चबाने का काम करती है। उसी तरीके से कुत्ते से लेकर हर जगह हर किसी के, सांप के दांतों की हमने जिक्र किया था क्लास में भी कि सांप के दांत उसके निगलने में सहयोग करते हैं, तो यहाँ कई सारी चीजों का जिक्र होता है। पक्षियों की चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है? भोजन के प्रकार के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आता है? शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी एवं सर्वाहारी। तो हम जो हैं वो शाकाहारी और सर्वाहारी दोनों लिस्ट में काउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? संचार के उपग्रह समताप मंडल, नहीं। धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, बिल्कुल नहीं। 36,000 किलोमीटर पे कहाँ जाओगे भाई? धरातल से लेकर के 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक तो हम एक्सोस्फेयर को मापते हैं, तो यहाँ आपका आंसर होगा आयन मंडल। कई किताबों में इसका आंसर ये दिखा देते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल रॉन्ग टाइप होता है। जिससे नंबर आपका यहाँ रहेगा आयन मंडल में रहेगा, क्योंकि आयन मंडल को ही हम लोग संचार की लेयर भी, परत भी कहते हैं। यहीं से सारे के सारी रेज जो, जिनको हम लोग वेव्स कहते हैं, संचार की वेव्स वो आती हैं। इसके अंदर जो आयन मंडल है, जैसे मान लो धरातल से ऊपर अगर आप जाओगे, यहाँ 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 इस जगह पर जब जाओगे, तो यह आयन मंडल है। इसमें चार लेयर होती हैं, सबसे नीचे डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। डी से छोटी तरंगे वापिस आती हैं, ई से मध्यम दूरी की तरंगे वापिस आती हैं, एफ से लंबी दूरी की तरंगे वापिस आती हैं और जी से सारी तरंगे वापिस आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको आयन मंडल में मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, समाज कि कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का होना अनिवार्य है? परिवार। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या कितनी होती है? 24। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? भोजन, पौधों का तना, सूर्य का प्रकाश या फिर मनुष्य। यहाँ आपका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 16, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, ये तो विशेषता होती है अच्छे परीक्षण की, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, उत्तीर्ण करना यानी नहीं है के अंदर में आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? टेप रिकॉर्डर, सुनने श्रव्य तो है बट दृश्य नहीं है, रेडियो, मॉडल या भ्रमण। दोस्तों यहां आपका आंसर जो है ना वो सही तरीके से अगर देखेंगे तो भ्रमण आएगा, इसको आप सर्वे दृश्य दोनों कैटेगरियों में गिन सकते हो। उसके बाद है 18वां क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? पुस्तकें, दूरदर्शन, समाचार पत्र या अवलोकन। अवलोकन जो है वो सबसे अच्छा साधन होता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने और समझने का। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना। तो यहाँ आपका आंसर जो है ये रहना चाहिए, छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना सबसे जरूरी उद्देश्य बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बीजों का अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, श्याम पट पर नामांकित चित्र, बीज और उसका पौधा, बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना। तो यहाँ आपको जो सही आंसर लगता है वो यही लगेगा, ताकि डे टू डे आप उसका अवलोकन करो। क्वेश्चन नंबर 21, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है।
क्वेश्चन नंबर 22, लाल आंकड़ा पुस्तक यानी रेड बुक, रेड डाटा बुक किसके लिए चर्चित है? दोस्तों सबको पता है कि ये एक ऐसा बुक है वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो स्पेशल रूप से तैयार की जाती है, जैसे गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए होती है, लिम्का बुक बुक रिकॉर्ड के लिए होती है, उसी तरीके से रेड डाटा बुक जो है वो दुनिया के अंदर विलुप्त पौधों एवं प्राणियों के लिए फेमस है। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन से विटामिन की कमी के द्वारा रक्त बह रहा है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 24, रोग प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? आंसर रहेगा 4, चूहा। क्वेश्चन नंबर 24, ये आ गया, हमने डिस्कस कर लिया प्लेग को, हमने चूहे के द्वारा कनेक्ट कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है, यानी क्या यहाँ ठीक नहीं है? ठीक है ये नहीं डिसाइड करना, क्या ठीक नहीं है? खनिज तेल, बायोगैस, यही पहले ही गलत आ गया इसमें, ये ठीक नहीं है। जैव कचरा बायोगैस सही है, पशु मल बायोगैस सही है, मानव मल बायोगैस सही है, जो खनिज तेल बायोगैस है वो इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना, बिल्कुल यही आंसर इसमें ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, बिल्कुल। जीव संरक्षण यह भी है, प्रदूषण उन्मूलन यह भी है, तो इसका मतलब चारों आंसर रहेंगे, डी इज राइट आंसर, इसमें तीनों सही हैं, तो इसमें मतलब फोर्थ जो है वो आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? निष्पक्षता, उदारमति, कारण तथा तथ्य में विश्वास और अंधविश्वास में रुचि। तो अंधविश्वास में रुचि जो है वो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता है, तो इसमें डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निदानात्मक, परिणामात्मक, गुणात्मक या इनमें से कोई नहीं, परिणामात्मक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है? योजना विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि या प्रदर्शन विधि? प्रदर्शन विधि। पर्यावरण अध्ययन की प्रदर्शन विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है। ये थे क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन पेपर वन के। हर रोज एक पेपर अब आएगा, कोशिश करेंगे एक दिन में दो पेपर भी दे दिए जाएं, ताकि आपको सीटेट से पहले पहले लगभग 1000-1500 क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करवा दिए जाएं। देख दो दिन में हम कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लॉन्च करेंगे आप लोगों के लिए, 1 तारीख से पहले पहले मैं दे दूंगा, ताकि आप लोगों को कंप्लीट 150 नंबर के प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपको पीडीएफ के रूप में वो प्रोवाइड करवा दिए जाएं। वीडियो के नीचे कंप्लीट चैप्टर्स वाइज और टॉपिक वाइज हमने डिस्कस करके उसको बनाया हुआ है, वो हैंड रिटन बुक भी आप ले सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की पैडागोजी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं और आपको स्टडी मटेरियल प्रिंटिंग मटेरियल में चाहिएगा, तो आपको बाई कॉरियर आपके घर पहुंचा जाता है। यहाँ पे इस नंबर पे आप मैसेज करके, व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तब तक आप लोग, अगर आप लोगों को ये हमारा प्रयास कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि हम हर रोज एक प्रैक्टिस सेट अलग अलग लेवल पर आपके लिए लेके जाएं, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे जरूरी जो चीज है वो है कि आप स्टडी करें, जी लगा के स्टडी करें, ताकि आपका आने वाला एग्जाम क्रैक हो जाए।